में किस सिलसिले में आपने बुलाया है मीडिया वालों को और आपके साथ जो लोग हैं थोड़ा इनका परिचय कराएं। सबसे पहले मैं मीडिया को नमन करता हूँ, थैंक यू सो मच ऑल मीडिया पर्सन, धन्यवाद आप सभी को। मेरा मीडिया आज बुलाने का एक ही उद्देश्य है, जो 24 अक्टूबर को जो मेरा अवार्ड शो होने जा रहा है, ये बॉम्बे की एक आलीशान होटल जिसका नाम है ऑर्चिड, वहाँ पर ये शो होने जा रहा है 24 अक्टूबर को। एक COVID-19 योद्धा अवार्ड होने जा रहा है, जिसमें इस कोविड काल में जो भी लोग अच्छा काम किया है, अच्छा सहयोग किया है, तमाम गरीबों को और साथ साथ में तमाम लोगों को लेकर चले हैं, ऐसे लोगों को हम सम्मान करने जा रहे हैं। इसके अलावा 24 अक्टूबर को शाम को बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड है और डॉक्टर डिग्री है, हनरेबल डॉक्टर डिग्री, जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया है उसको हनर किया जाएगा। और ये डॉक्टर डिग्री है द अमेरिका यूनिवर्सिटी से है और हमारे जो प्रोफेसर डॉक्टर मधुसूदन जी आएंगे उनके हाथों से, और तमाम और भी बहुत सारे गेस्ट हैं वहाँ पर, और तमाम MLA हैं, MP हैं, हमारे भारत सरकार के मिनिस्टर माननीय श्री रामदास अठलवे साहब हैं, गोपाल शेट्टी साहब हैं, हमारे सांसद हैं हमारे बोरोबली के, और उसके साथ साथ में FWIC के VN तिवारी साहब हैं, और हमारे MLA हमारे प्रसाद लाठ साहब हैं, MLA हमारे भारती लदेकर साहब हैं, हमारे MLA हमारे देसर के शिवसेना के एक ताकतवर नेता विनोद घुसलकर साहब हैं, MP सुनील गायकवाड़ साहब हैं लातूर से है, MP राहुल सोनावल साहब हैं, और जोगेश लखानी साहब हैं, हमारे विशाल भगत साहब हैं, और उसके बाद और भी तमाम जो हमारे कलाकार हैं, इसमें उषा नाटकर्णी जी, उनको डॉक्टर डिग्री दिया जा रहा है, बापी दाद जो बापी लहरी साहब उनको दिया जा रहा है, उसके बाद राजा मुराद साहब हैं, ऐसे तमाम लोगों को डॉक्टर डिग्री भी दिया जा रहा है, उनको एक्सलेंसी अवार्ड से उनको सम्मानित किया जा रहा है, और भी काफ़ी लोग हैं। और इस प्रोग्राम जो हमने डिजाइन किया है ये कुछ हटके है, और ये 24 अक्टूबर का हम लोग करने जा रहे हैं, ये आलीशान होटल ऑर्चिड में। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरी लवली वाइफ अंकिता जाना को, मैरू जैन को, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय डायरेक्टर जो है हमारे पंडरी शेट्टी साहब हैं, इसके अलावा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के DPIF जो हमारा नाम है, वो DPIF के तमाम कमेटी मेंबर, तमाम मेंबर, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। और इस 24 को जो धमाल है, इस धमाल के बाद अगले 24 को, मतलब ये 24 अभी जो कमिंग संडे है इसमें शो होने के बाद जो अगले 24 को है वो बहुत बड़ा धमाल है, इस साल का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड शो है, नाम दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स, मतलब इस साल का सबसे बड़ा अवार्ड शो हो रहा है अगले 24 को। और इसके साथ साथ में फिर से डॉक्टरेट डिग्री है, और इसके बाद एक अनोखा फैशन शो है जो अभी तक इस हिंदुस्तान में नहीं हुआ, हिंदुस्तान के बाहर भी नहीं हुआ। हमारे जो 28 स्टेट है, जैसा DPIF जो हमारा ब्रांड है, DPIF मिस एंड मिसेस द कल्चरल फैशन शो होने जा रहा है, एक ऐसे कल्चरल फैशन शो होने जा रहा है जिसमें 28 स्टेट के जो टूरिज्म है और जो कल्चरल है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरीके से 28 स्टेट के जो टूरिज्म और कल्चर और उसकी जो पहनावा है जो हम भूल चुके हैं उसको सबके सामने हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसके लिए हम अभी तमाम मिनिस्टर को मिल के आए हैं, हमारे भारत सरकार के मिनिस्टर माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला साहब, जिन्होंने इस कार्यक्रम का, मतलब अगले महीने कार्यक्रम का, उसका ट्रॉफी का इनॉग्रेशन किया उन्होंने, मैं उनको नमन करता हूँ, हमारे भारत सरकार के मिनिस्टर माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला साहब, जिनकी हाथों से ट्रॉफी का इनॉग्रेशन हुआ। इसके साथ में हमारे भारत सरकार के मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर माननीय श्री अजय भट्ट साहब, भारत सरकार के मिनिस्टर, हमारे काफ़ी सारे मिनिस्टर से हमारा मुलाकात हुआ है, जैसा जिस तरीके से काफ़ी सारे लोगों ने हमें साथ दिया है, और उन सभी को मैं नमन करता हूँ। इसके अलावा 28 स्टेट के जो लोकगीत हैं उस लोकगीत के ऊपर मॉडल रैंक करेंगे पहली बार, क्योंकि वेस्टर्न
कल्चर है, वेस्टर्न गाने के ऊपर रैम होता है, लेकिन पहली बात जो हम जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से हम, उस स्टेट के जो कल्चर, जो लोकगीत है, उस लोकगीत के ऊपर पहली बार मॉडल रैम करेंगे और उस स्टेट के कपड़ा पहनेंगे और उनके हाथ में होगा भारत का झंडा। पहला राउंड, सेकंड राउंड होगा भारत के उस स्टेट के टूरिज्म, उस स्टेट के जो टूरिज्म है वो रहेंगे। इसके अलावा हाथ में दिया रहेगा और लास्ट में उनके हाथ में गुलाब के फूल रहेगा, पत्ती रहेंगे, उनको अतिथि जो गण रहेंगे उनका अतिथि भवो, उनके सम्मान होगा सभी अतिथि गण का। इस टाइप से हम फैशन शो कर रहे हैं अगले महीना, और इस साल का सबसे बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड शो है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स, जो तीसरा साल हम धूमधाम से बना रहे हैं, हैट्रिक करने जा रहे हैं। पिछले साल 2020 में आप सभी ने लोगों ने साथ दिया है और इस साल फिर से आप सभी का आशीर्वाद से, मेरे तमाम टीम के आशीर्वाद से और तमाम जो हमारे साथ में जो जुड़े हैं उन सभी के आशीर्वाद से मैं इस साल का सबसे बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड शो करने जा रहा हूँ। और ये अवार्ड शो नहीं है, ये इतिहास हम बनाने जा रहे हैं, और इसलिए इतिहास बनाने जा रहे हैं क्योंकि हम अनोखा काम करते हैं। ये लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, लोग कहते हैं जो आपका जो काम है एक अनोखा काम है, और इस काम के लिए लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं, लोग मुझे साथ भी देते हैं, और सबसे बड़े साथ है मेरी वाइफ का, अंकिता जाना का, रेणु जैन का, पंडरी शेट्टी साहब का, मेरे तमाम टीम मेंबर। और मैं सभी को नमन करता हूँ। 28 अक्टूबर का जो मेरा शो है, 24 अक्टूबर का जो मेरा शो है, ये धूमधाम से हो, अच्छा से हो, आप सभी का ब्लेसिंग चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है 24 अक्टूबर को। आप सभी कुछ मीडिया को कर्मचारी को भी अवार्ड दिया जा रहा है 24 अक्टूबर को, जिसमें से काफ़ी सारे लोग हैं, मैं नाम लेगा तो बोलेंगे कल्याण जी आप उनको दे रहे हैं, आप मुझे नहीं दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये नाम डिस्क्लोज ना हो, और जिस दिन अवार्ड लेंगे वो अपने आप अपने फेसबुक पे वो डालेंगे, सबको मालूम पड़ जाएगा किस किस मीडिया पर्सन को अवार्ड मिल रहा है। और मैं सभी को नमन करता हूँ, तमाम मीडिया कर्मी को नमन करता हूँ, जो मीडिया कर्मी मेरी पीठ पीछे बोलता है मैं उनको भी नमन करता हूँ, जो मीडिया कर्मचारी मेरे विरुद्ध में बातें करता है उनको भी नमन करता हूँ, और जो भी मेरे पीछे बोलते हैं मेरी पीठ पीछे मैं उनको नमन करता हूँ, और उनसे मैं बोलने जा रहा हूँ, आप फिर से बोले, आप जो बोलते हो मेरी पीठ पीछे आप इसको जारी रखें और कंटिन्यू करें, और ऐसा बोलना मुझे खुद को अच्छा लगता है, आप उसको मत रोकिए। जो भी मेरी पीठ पीछे बोलता है, जो भी मीडिया कर्मी मेरी पीठ पीछे बोलता है, उन सभी से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, ये कंटिन्यू इसका जारी रखें इस काम को, और बोलते रहिए मेरी पीठ पीछे, तो मुझे एक और लोगों से मुझे मिलता है आपकी खबर, तो मुझे और शक्ति मिलता है और मुझे उत्साहित मिलता है, प्रोत्साहित मिलता है मुझे आगे बढ़ने का। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन, जो भी मेरी पीठ पीछे बोलता है आप लोग बोलना जारी रखें और बोलते रहिए, और आप बोलते रहोगे मैं आगे बढ़ते रहेंगे, और आप मेरे पीछे बोलते हो मैं आपका आगे रहेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे पेरेंट्स को, मेरे माँ बाप को, मेरे पिता माता गुरु को, मेरे इस मुंबई की मिट्टी को, मेरी महादेव को, और तमाम मेरे उस साथियों को जो मुझे हर वक्त मुझे साथ देता है। मैं धन्यवाद करता हूँ बुलमैन्स रिकॉर्ड्स को, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे ऑर्गेनाइजर तमाम मेंबर को, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पंचम सिंह को, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर राज आशु जी को, और आशीष प्रभु गांवकर को, और बुलमैन्स रिकॉर्ड के तमाम कर्मचारी को, और साथ में हमारे ग्लोबल सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हमारे सूरज माटे जी को, घनश्याम कोलंबे जी को, और राज काले जी, आप सभी को नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच विशाल भगत जी को, तो मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूँ वो अपने अपनी बात रखें। वेरू जैन प्लीज़ अपना बात रखें। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे 24 अक्टूबर को हमारा फंक्शन हो रहा है। सबसे पहले सर मीडिया वाले को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, कथा मेहमान को भी मैं नमस्कार करता हूँ। जो है जैसे कि आपने जाना है कोविड टाइम से जो काम कर रहे हैं DPF ऑर्गेनाइजेशन, और काफ़ी अच्छे से शो किए हुए हैं, और आने वाले समय जैसे 24 अक्टूबर का जो अपकमिंग शो है COVID-19 योद्धा अवार्ड, जिसमें अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने समाज के लिए काम किया हुआ है उसे हम सम्मान कर रहे हैं, और
जो शाम का डॉक्टरेट डिग्री और बिजनेस अचीवर जो जिन्होंने अपने पैरों पे कुछ कर चुके हैं, उन्होंने अपने मुकाम खुद हासिल किया, उनको हम सम्मान कर रहे हैं। तो ये अवार्ड शो के लिए मैं बहुत बेस्ट विशेष देता हूँ, आप सभी का साथ और आशीर्वाद चाहिए और ये सक्सेसफुल शो होगा। थैंक यू मैम। आप क्या कहना चाहेंगे कल के बारे में? आपको पहले मैं नमन करती हूँ। कल्याण जी जाने के लिए मैं बहुत मतलब हैट्स ऑफ करती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा काम करते मुझे। मैं जब काम करती थी पोस्टमैन का, तो ये मुझे मिले थे और मुझे सिंधुताई आवाज़ दिया उन्होंने, मैं बहुत खुश हो गई। मेरे पास आए, मैंने बोला सिंधुताई कैसे है, सब मेरे बारे में पूछा उन्होंने, मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिल के। अब बहुत ही मतलब ये मायना रखते हैं लेडीज़ के लिए, तो बहुत उनकी अच्छी बातें हैं, बातचीत मुझे बहुत पसंद है उनकी, मैं बहुत खुश हूँ। और अगले अभी 24 को जो अवार्ड का जो प्रोग्राम, उनको शुभकामना देती हूँ। नहीं आपको भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, शुभकामना देती हूँ। वो आगे बढ़ते रहे ऐसे ही, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से उनको बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बेटा है, बहुत बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर वैभव शर्मा है, मैं 24 अक्टूबर को जो अवार्ड सेरेमनी होने जा रहा है उसका एंकर हूँ। सबसे बड़ी बात तो इस कोरोना काल में जब सब लोग अपने घरों में कैद थे, तो कल्याण जी जाना सही मायने में एक योद्धा बन करके हर गरीब को जिस तरह से उन्होंने राशन बांटा है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। थैंक यू सर। और इस देश में, मैं मुंबई नहीं कहूँगा, भारत देश में आदरणीय कल्याण जाना साहब जैसे कोरोना योद्धा, एक तो पुलिस पर्सन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और उनके साथ में जो सही मायने में भारत देश के लिए देशभक्ति के साथ में सही काम कर रहा है, जिनकी आंखों में हमेशा आपको तिरंगा झंडा देखने को मिलता है। अब ये फैशन शो की बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि आज तक भारत देश में या विश्व में ऐसा कोई भी फैशन शो हुआ होगा जिसमें एक एक स्टेट्स को उठा करके उस क्राफ्ट का फैशन शो ऑर्गेनाइज हुआ होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं चूँकि शायर और कवि हूँ और एंकर हूँ, तो मेरे अंदर की जहनीत से शायरी उबाल दे रही थी जब ये अपने फैशन शो के बारे में और अवार्ड सेरेमनी के बारे में बता रहे थे कि दीपक बनकर हर किसी के दिल में, दीपक बनकर हर किसी के दिल में हम विश्वास का चिराग जलाते हैं। हमारी महफिल में आकर हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक नया इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, कामयाबी की कोई भी सीमा नहीं होती है, इसलिए आओ आज हम सब मिलकर जनाब कल्याण जाना साहब की महफिल में आकर 24 अक्टूबर को अपनी जिंदगी और अपनी कामयाबी को लेकर एक नया इतिहास बनाते हैं। वाह वाह वाह। तो मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा जो आने वाले शो 24th of November को जो हो रहा है, और इस ये 24th of October का जो पोस्टर जो लॉन्च किया है हमारे दिल्ली में, जैसे हम दिल्ली में थे तो हमारे तमाम मान्यवर, हमारे सबसे बड़ी बात है, मुझे बहुत खुशी हुआ जो जब मुझे हमारे आरएसएस के एक सीनियर लीडर, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे सम्मान किया, मुझे उन्होंने सॉल पहनाया, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। गुरुजी आरएसएस के एक ऐसे कर्मवीर नेता, हम सब गुरुजी माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी, मैं ऐसे दिल से नमन करता हूँ इंद्रेश कुमार जी को, जो जिस तरीके से एक संत की तरह काम कर रहे हैं वो देश के लिए, देश का सेवा के लिए, और मैं उनको मैं नमन करता हूँ। एक आरएसएस के योद्धा है और उस संघ के एक ऐसे कर्मवीर नेता है, मैं उनको नमन करता हूँ जिनके पास मुझे आज इतना बड़ा आशीर्वाद मिला माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी को। इसके साथ में मेरे गुरु जी और भारत सरकार कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का जो अगले वाला जो कार्यक्रम है उसका ट्रॉफी का इनोग्रेशन किया, और साथ में जो 24th जो हम आने वाले जो हमारा ट्रॉफी है 15 फुट का वो ट्रॉफी स्टैचू जो हम जो इनोग्रेशन कर रहे हैं बांद्रा में महबूब स्टूडियो के बाहर, उनका जो ट्रॉफी हमारे पुरुषोत्तम रूपाला साहब ने किया थे इनका इनोग्रेशन, उसके साथ में हमारे भारत सरकार कैबिनेट मिनिस्टर फगन सिंह कुलस्ते जी जिन्होंने इसका इनोग्रेशन किया, इसके साथ साथ में हमारे टूरिज्म मिनिस्टर भारत सरकार माननीय श्री अजय भट्ट साहब, इसके अलावा हमारे बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता हमारे साम जाजू साहब, और उसके बाद जैन मुनि के हमारे जैन धर्म के एक ऐसे
योद्धा है ऐसे गुरु जी जिनका नाम है लोकेश मुनि जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। इसके साथ में डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन भारत सरकार के अंतर्गत उनके डायरेक्टर है देवेंद्र प्रसाद माझी जी, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जो आज डॉक्टर अंबेडकर ये फाउंडेशन जो भारत सरकार अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा हमारे जो दिल्ली के एडवर्टाइज में जो किंग है हमारे मिस्टर राजेश शर्मा जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। ये तमाम जो हमारे मान्यवर हैं इन्होंने दिल्ली में और इन्होंने सभी के हाथों से इसका इनॉग्रेशन हुआ। मैं सभी को नमन करता हूँ, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने साथ दिया, टाइम दिया। सबसे पहले भारत सरकार के मिनिस्टर के पास टाइम नहीं थे, संडे के वक्त टाइम दिया, शनिवार के वक्त था टाइम दिया, इसलिए मैं सभी को मैं नमन करता हूँ, तमाम मिनिस्टरों को, तमाम मान्यवरों को, और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आए हुए तमाम अतिथि को, आए हुए तमाम मेरे मीडिया कर्मचारी को, मेरी टीम को, मेरी टीम का हमारे फारूक सर जो है मेरे यहाँ पर आज काम करते हैं मेरे पास, फारूक भाई थैंक यू सो मच, और हमारे मेरे कुक है मेरे होटल का राजू, थैंक यू सो मच सर, और जूही जी आपको धन्यवाद, जूही मैडम को, क्योंकि टाइम नहीं है मीडिया का, मैं इसलिए नाम बोल देता मैं, थैंक यू जूही मैडम और मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। मेरी टीम है, जूही है, मीनाक्षी है, फारूक है, राजू है, हमारे स्टाफ है जो अच्छा काम करते हैं, सभी को मैं नमन करता हूं, थैंक यू सो मच आप सभी को, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, थैंक यू।